उतार चढ़ाव एक साथ मिलकर पार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये चढ़ाई भी पार करना होगा मिलकर के। लेकिन हाँ, जो जोड़ी सबसे पहले ऊपर पहुंचेगी उसे ही माता रानी के हवन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कन्या, आपका जोड़ा कहाँ है? ये लो, आपका भी जोड़ा आ गया। एक बार सभी लोग जोर से बोलिए, माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं नहीं आ सकती? ये तो मंदिर है ना, मंदिर में तो कोई भी आ सकता है। सविता, तुम्हें सच्चाई स्वयं अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। प्रीति बेटा, तुम्हारा मंदिर जाना बहुत जरूरी है। रोहित। हाँ मम्मी। यहाँ क्या कर रहे हो सब? वो गाड़ी चेक कर रहे थे एकदम से। अरे कितना चेक करोगे चाबी तो? क्यों, अब आप देखोगे? नहीं, हमें मंदिर जाना ना। मेरी मतलब हमारी गाड़ी क्यों? अरे वो मंदिर बहुत दूर है ना। हाँ तो गाड़ी लेके जाएंगे ना, नहीं तो क्या स्कूटर पे ट्रिपलिंग करके जाएंगे सासू माँ और पीटी जी को बिठा के। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद टैक्सी करके जाएं। अरे घर की गाड़ी है तो टैक्सी क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर हायर कर लिया होगा सासू माँ क्या? नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगा। चाबी दे। आप क्यों, मुझे गाड़ी चलानी आती है? नहीं, आप काफी टाइम बाद चला रहे हो ना, तो प्रैक्टिस छूट गई होगी। लास्ट कब चलाई थी आपने? जब हॉस्पिटल जा रहे थे पापा मम्मी को लेकर और तू पेट में थी। 30 साल पहले? हेलो, मैं अभी 30 की नहीं हुई हूँ। अरे अच्छा है, अभी साथ में नहीं जा रही हो, वरना 30 की होती भी नहीं। अंकल, आप कार चला तो लोगे ना? अरे कार चलाना साइकिल चलाने के बराबर होता है, एक बार इंसान सीख ले तो कभी भूलता नहीं। हाँ, गुड आइडिया डैडी जी, आप साइकिल से चले जाइए और सासू माँ स्कूटर पे प्रीति जी को बिठा के चली जाएंगे। इस साल आईएएस करना है ना, चाबी दो। पापा वो डैडी जी, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर सब ठीक से देख लीजिएगा, कहीं गुस्से में इधर उधर मत दबा दीजिएगा। हैं, ऑटोमेटिक है तो पीछे बैठिए ना, आराम से ऑटोमेटिक जाएगी। जी जी। हां, सासू मां, आई विल प्रे फॉर यू। पापा ध्यान से, आप लोग आइएगा। दामाद जी तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप बहुत अच्छी चला लेते हैं। थोड़ी जल्दी चलाइए ना, नहीं तो पहुंचने में कल सुबह हो जाएगी। सविता, पहुंच जाएंगे, गाड़ी आराम से ही चलानी चाहिए। श्रेया, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं पहले आई हूँ, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? एक बात बताओ, ये कब तक चलता रहेगा? उस दिन तुम्हें वो संगीत के दिन समझ में नहीं आया कि तुम मेरी जिंदगी में लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं भी देखती हूँ कि तुम ये और कितने दिन बोलते हो। चैलेंज है मेरा कि शादी से पहले तुम ये अपना प्यार एक्सेप्ट करोगे कि मैं थोड़ा जल्दी चलाइए ना, प्रीति का टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है।
अगर पूजा शुरू हो गई तो वैभव किसके साथ माथा टेकेगा? चलाने दो बाबा। पंडित जी। हाँ बेटा। ये दूध कौन सा चढ़ा मैं? नहीं सॉरी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब मम्मी करती है और अभी तक वो पहुंची नहीं है। बेटा गौ माता का दूध कुलदेवी माँ को चढ़ाया जाता है, वो भी एकदम ताजा। पंडित जी तो वो आज बाजू ये आसपास के बाजार में मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बेटा, आजकल तो सब कुछ बाजार में मिल जाता है, या तो लोग फोन करके ही मंगा लेते हैं। वो जमाना कहाँ रहा, आजकल जब से ये फोन का नेटवर्क अच्छा हुआ है ना, तब से भगवान से कनेक्शन ही खराब हो गया है। एक समय था जब जोड़े पैदल ही तबेले तक जाते थे और वहां से गौ माँ का दूध लगाकर कुलदेवी माँ को चढ़ाते थे, आजकल तो सब कुछ शॉर्टकट हो गया है। नहीं नहीं पंडित जी, कुलदेवी की पूजा में हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम ताजा दूध ही ले आएंगे। लेकिन बेटी गौ माता का दूध अपने हाथों से दुहा जाता है, इतनी मेहनत कर लोगी ना? अगर साथ देने वाला साथ होगा तो क्यों नहीं पंडित जी? आजकल आप जैसी जोड़ी कहाँ देखने को मिलती है। खुश रहो बेटी। हाँ तो क्या कह रहे थे कि शे क्या नया ड्रामा है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन ले चुका हूँ, अपनी मर्जी से मैं खुश हूँ उस डिसीजन से। तो तुम जितनी कोशिश करना है कर लो, मेरे इस डिसीजन को नहीं बदल पाओगी। इस डिसीजन में तुम्हारी कितनी मर्जी है वो साफ दिख रहा है इसमें। अब बताओ क्या ड्रामा है ये कैसे आया तुम्हारे पास? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पेपर में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के सुनाओ। पहुंचा दिया ना सही सलामत, वो भी टाइम पे। थैंक गॉड फाइनली पहुंच गए, वरना पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों से कार में ही बैठे। वैभव भी यही कहीं होगा, उसे ढूंढ दे। आओ बेटा। तुम ये शादी अपने घर वालों की खुशी और दुकान बचाने के लिए कर रहे हो, मैं तो जाके ये सीधा तुम्हारी मम्मी को दिखाने वाली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना दिखाऊं, तो आज तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं जो बोलूं वो करोगे तुम। श्रेया, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ना ही वो बात साबित होती है ना? तो तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। मंदिर के बाहर खड़े हो, एटलीस्ट यहां तो झूठ मत बोलो। प्रूफ नहीं होता कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी मम्मी को ये तो पता चलेगा कि तुम ये शादी कर क्यों रहे हो। बेटा ही खुश नहीं है ये जानने के बाद, कोई भी माँ अपने बेटे को ये गलती करने नहीं देगी। तो बोलो मानोगी मेरी बात? या फिर दिखा दो तुम्हारी मम्मी को। ठीक, गुड बॉय। तो चलो गाय ढूंढते हैं। भैया यहाँ आसपास गाय कहाँ मिलेगी? यहाँ से सीधा जाइए, राइट लेंगे, वहाँ छोटा एक तबेला है, वहाँ मिलेगी। अरे खड़े क्यों हो, चलो। क्या हुआ? मच्छर काटा। सविता मैं भी है। तुम तो हमसे पहले पहुंच गए। कभी कभी लगता है तुम आती नहीं, प्रकट हो जाती हो। सब लोग आ गए?
हाँ हम लोग तो आ गए हैं, बस ये वैभव पता नहीं कहाँ गया है, फोन कर लेती हूँ। हाँ मम्मी। वैभव बेटा कहाँ है तू? मैं, तेरे पापा, प्रीति सब पहुंच गए, तू कहाँ है बेटा? मुझे कब से ढूंढ रहे, तू दिखाई नहीं दे रहा है। ओए, आजा आजा। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू इतनी दूर अकेले आ गई, मुझसे रहा ही नहीं गया, क्या हुआ? वैभव को बताया तूने कि तुझे पता चल गया जो किसी को नहीं पता है? दिखाया मैंने उसी को, उसी का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्या बोला? क्या बोलेगा, प्यार और जिम्मेदारी के बीच जिम्मेदारी को चुन रहा है और उसे लगता है सही कर रहा है। बेटा मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं दुकान बचा लूंगा, बेकार में सैक्रिफाइस कर रहा है इतना, मुझे बात करने दे बेटा एक बार। नहीं पापा, मुझे ये लड़ाई अपने प्यार से जीतनी है, पापा के पैसों से नहीं। ओहो हो, गलती पापा की, इतने अच्छे संस्कार दे दिए बच्ची को। बेटा लेकिन थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं कभी कभी, थोड़ी सी। नहीं पापा। ठीक है, नहीं तो नहीं, जो तू बोले वही होगा, हमारा क्या, हम तो बाप हैं, जब बोलेगी जहाँ बोलेगी बाप का रोल प्ले करने आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जाइए। नहीं, अभी नहीं जा सकता, बाप का रोल प्ले करने से याद आया कि लड़के के माँ बाप को भी तो मिलना है ना, उसकी फैमिली को मिलना है, भाई पता चले मेरी बच्ची कौन से घर में जा रही है, तो बाप का रोल प्ले करके आता हूँ। लेकिन पापा मैं यही वो चढ़ावे के लिए ना दूध लेने आया था मम्मी। अरे तो दूध लेने किसी दुकान चला जाता, गाय ढूंढने क्यों चला गया? अब पूजा कर रहे हैं तो कायदे से पूजा करते हैं कुलदेवी की, और वैसे ही पंडित जी ने बोला है कि चढ़ावे की चीज जितनी शुद्ध हो उतना अच्छा है। वाह बेटा, तुम तो मुझसे बड़े भक्त निकले, तू अकेला है ना? हाँ 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 मम्मी, अकेला ही हूँ मैं, और कौन होगा साथ में? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है चले। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वैभव ना पूजा के लिए गौ माता का दूध लाने गया है। अकेले गया है ना? हाँ अकेले ही गया होगा ना, रीति तो यहाँ है। नहीं, वो पंडित जी किसी जोड़े की बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो दोनों खुद गौ माता का ताजा दूध लेने गए, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो वैभव हो। कितनी गर्मी है अंकल, पता नहीं लोग कैसे इतनी लंबी लंबी लाइन में लग जाते हैं। भक्तों की श्रद्धा है बेटा, लोग तो मीलों मील चल के आते हैं। वैभव की मम्मी वो तो कई बार आती है। Really? उससे बड़ी भक्त नहीं मिलेगी तुम्हें रतलाम में, अब तुम भी इन सब की आदत डाल लो। मतलब ये कि सविता अब हर दूसरे दिन तुम्हें भी लेके जाया करेगी अपने साथ, मीलों मील पैदल चल के। वो उसके मूड पे है। Thank God. और जब पैदल नहीं जाती तो मंदिर की 100 परिक्रमा मार के आती है। नहीं नहीं वैभव नहीं है, प्रीति यहाँ है ना, तो वैभव नहीं हो सकता, वो पंडित जी किसी और जोड़े की बात कर रहे हैं। मैं चलती हूँ। वो गौ माता का ताजा दूध लेने गया है। अरे तो यही बाजार से खरीद लेता, उसमें वहां जाने की क्या जरूरत है, ये वैभव भी ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। कुछ पता है कब तक आएगा वैभव? वैभव वैभव तोशनीवाल, उसी की बात कर रहे हैं आप लोग? जी। आप? वो बेटा है मेरा। अच्छा हाँ, आप फादर हैं उसके। आप महेश्वरी ज्वेलर? हाँ जी वही वही, वो उस दिन तुलादान वाले दिन मुलाकात हुई थी ना। जी, जी, जी। आप मेरे बेटे को कैसे जानते हैं? आप अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कोई कमाल का है आपका बेटा, मतलब दिमाग भी है दम भी है। वो मेरे दुकान पे चोरी हुई थी तो पुलिस के पकड़ने से पहले उसने चोर को पकड़ लिया था, कमाल का बच्चा है आपका। बड़ा अच्छा लगा आज वैभव के माता पिता से मुलाकात हो गई। एक्चुअली मुझे आप लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहिए, आपके बेटे की वजह से 10 लाख का नुकसान होते होते बच गया मेरा। आया हुआ है वैभव? हाँ वो कुछ सामान लेने गया है। अच्छा ओके, तो चाय हो जाए, चाय
अरे चाय है, इतना क्या सोच रहे हैं, चाय में तो चलता है, नेशनल टाइम पास है, चाय तो चाय पी लेनी चाहिए कभी कभी। अच्छा दादा आइए, चाय चाय आप लोग चलिए, हम आइए आइए भाई, तो आइए बेटा चलो। क्या तैयारी की हो यार? अरे मेन इसे कहते हैं पार्टी वाला घर। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये सब? अरे ताश पार्टी की तैयारी। ताश पार्टी? हाँ दिवाली पे ताश पार्टी करते हैं। अरे ताश पार्टी करना शगुन होता है दिवाली पे, है ना? अच्छा, और ये ड्रिंक्स? घर में ये सब नहीं चलेगा। माय भाभी बॉटल्स डाल, ये सारी बॉटल्स ना मैं बाहर फेंकूंगी। अभी पापा को बता। अरे ओ ओ ओ ओ ओ ओ मेरी परियो 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 परियो, सुन सुन सुन, पापा की मुखबीर ये हमारे लिए नहीं है। तो वो जो मेरे दोस्त आ रहे हैं ना उनके लिए, वो पिए बगैर खेलते नहीं है ना। क्या यार, व्हाट इज दिस? मुझे तो लगा था हम चारों आपस में छोटी मोटी ताश पार्टी करने वाले हैं। तुमने दोस्तों को क्यों बुलाया? हम लोग आपस में? अरे माया, ये जो जीजे है ना, ये 10 रुपए से ऊपर की चाल नहीं खेले। ये गेम तो बड़े खिलाड़ियों का है, तुम देखना हजारों के लाखों कैसे करते हो। अरे गद्दा आ गया साले साहब, लीजिए गद्दा आ गया भाई। अरे वाह 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 वाह, हाँ लो कितने एक बार। ए साले साहब गद्दा कम पड़ जाएगा भाई, 2-3 गद्दे और मंगवा लो। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुको रुको, आप लोग जाओ जाओ, हो गया हो गया। अरे जीजे सारे पैसे गद्दे में डालने हैं आपको? मेरे हिसाब से एक आध गद्दा ही कम पड़ेगा, इतने सारे पलंग है घर में, किसी के भी उठा के लेके आओ ना, खत्म। अरे तो किसके पलंग से उठा ले, क्यों? हमारे गद्दे के बारे में सोचना भी मत। देख लो तो हम, मेरे गद्दे की तरफ तो देखना भी मत। हमारे नहीं मेरे। अरे तो बच्ची सासू माँ, सासू माँ ही काम आती है हमेशा। चलो मैं लेके आता हूँ। ये ठीक है, चलो। चलिए इस गद्दे से काम हो जाएगा, इस गद्दे को बाकी गद्दों के साथ डाल देंगे। दामाद से काम कराते हो गुरु? अरे घर के बेटे हो आप? अच्छा, काम करने समय बेटे और हिस्सा बांटते समय दामाद? You got it. दूध लेने आए, लाइए बर्तन, हम दूध निकलवा देते हैं। जी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे आज श्रेया मैडम ने प्रण लिया है कि आप जो करेंगे अपने हाथ से करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, कि नहीं श्रेया मैडम? Come on, do it. लेकिन वैभव मुझे नहीं आता। नहीं आता? अरे श्रेया मैडम की डिक्शनरी में नहीं आता इम्पॉसिबल ऐसे शब्द है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो 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 चलो। नहीं नहीं वैभव, मुझसे कहाँ होगा, तुमसे हो जाएगा, तुम करो। मुझसे हो जाएगा? मैं करूं? क्यों भाई, मुझसे कैसे होगा, मैं ग्वाला हूँ, मेरी दूध की डेरी है। अच्छा चलो, नहीं हो पा रहा तो काम करते हैं कि दुकान चलते हैं, दुकान से ले लेंगे दूध। चलो नहीं नहीं, पंडित जी को बोला है तो ताजा दूध ही लेकर जाएंगे। भैया बताओ कैसे करते हैं? राम विलास, मैडम की मदद कर दो। अरे वैभव प्लीज, मुझसे नहीं होगा। श्रेया ये गाय है, शेर नहीं, खा नहीं जाएगी तुम्हें, चलो। नहीं वैभव, चलो चलो चलो। Thank you.
चले। थैंक यू। जय लक्ष्मी रमणा। पंडित जी। हाँ बेटा। ये देखिए, यही लड़की थी वो। हाँ हाँ, ये तो वही है, ये आपकी होने वाली बहू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गुणी कर्तव्य संस्कारी है। आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपके घर परिवार में इतनी गुणी कर्तव्य लड़की आ रही है। आपके बेटे और आपके परिवार का भाग्य बनकर आएगी ये लड़की। ए लो प्रसाद लीजिए। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप तो कमाल के मजाक के आदमी हैं निरंजन भाई साहब। अरे ये तो अपने आप में एक मजाक हो गया कि कोई मुझे मजाक क्या समझ। अरे वरना आज तक सब यही कहते हैं कि लाला जी को सिर्फ गुस्सा करना आता है। लाला जी? वो बाबूजी को सब इस नाम से बुलाया करते थे। के जाने के बाद ये नाम मुझ पे पड़ गया। दुकान के गल्ले के पीछे बैठे बैठे जिंदगी निकाल दी इस लाला ने। और आज वही दुकान क्या हो गया भाई साहब? टाइम ऐसा बदला संजीव जी के दुकान ही बंद करनी पड़ी। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, खास करके सविता ने, पर बचा नहीं पाई। लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है भाई साहब, रोज नया सरप्राइज लेके आती। इतने सरप्राइजेस लाती है कि कई बार तो खुद सरप्राइज हो जाते हैं हम। मुझे देखिए, मैंने जिंदगी में अपनी वाइफ को बहुत जल्दी खो दिया, तो मेरी बेटी मेरी लाइफ बन गई अब। बेटी है आपकी? हाँ जी, बच्ची है मेरी, बड़ी प्यारी बच्ची है। फिलहाल लाइफ में कुछ हासिल करने में लगी हुई। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसे वो मिल जाए जो वो चाहती है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपका बेटा वैभव, वो बहुत बढ़िया लड़का है, वेरी नाइस बॉय। वो भी अपनी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू कर रहा है, शादी हो रही है उसकी। उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा भगवान से, उसे भी मिल जाए वो जो उसका दिल चाहता है। बिस्किट हो जाए उसके साथ, डुबो के खाने का मजा बड़ा आता है। गॉड, कब निकलूंगी मैं यहां से, कहां फंस गई? ऊपर से ये स्मेल, ये वैभव कहां रह गया? अरे बहन जी, हवन के लिए उपले बनाने हैं, आ जाइए मदद कीजिए। अब बहन जी आप भी आ जाइए, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। चल प्रीति तू भी चल। हम गोबर से उपले? गोबर से ही बनते हैं उपले, चलो आ जाओ। नहीं, मैं गोबर को टच नहीं करूंगी। यू करना बंद कर दे बेटा, ये धर्म पुण्य का काम है। और पता है, गोबर मलने से ना हाथ भी बड़े मुलायम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगा ना ऐसा मॉइस्चराइजर, कितना गंदा है ये। ये गंदा नहीं है, और गौ माता से जुड़ी कोई भी चीज अपवित्र हो ही नहीं सकती। और गाय को तो पूजनी है, इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके दूध के साथ उसका गोबर भी मनुष्य के काम आता है। भगवान का कोई भी हवन बिना गोबर के उपनों के पूरा नहीं हो सकता।
इसके धुएं से वायु का शुद्धिकरण होता है, भूमि भी उपजाऊ होती है। तुम्हें पता है पुराने समय में लोग अपने घरों की दीवारों की लिपाई भी गाय के गोबर से करते थे, पता है क्यों? क्योंकि उससे कीटाणु मरते हैं। अब बताओ जो चीज मनुष्य के इतने काम आती है वो गंदी हो सकती है? अरे वाह, तुम कॉल सेंटर वाले ना कुछ भी बेच सकते हो। क्या मार्केटिंग किया गोबर की तुमने? सुना तुमने प्रीति, गोबर कितने काम की चीज है, बहुत पुण्य चीज है ये। आजा आजा बेटा चल। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। आ अरे प्रीति बेटा, प्रीति देखा गोबर का अपमान करने की सजा मिल गई। ये है तुम्हारी बहू? बच्ची है अभी, थोड़ी नटखट है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी और ये सब सीख के करेगी भी क्या। मैं हूं ना, मैं सब कर लिया करूंगी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम क्यों उसके बचाव का प्रयास कर रही हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ वैभव मिला? तुम कहाँ? वैभव। हाँ। अरे कितनी देर लगा दी बेटा? कितनी देर? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, आप किसे ढूंढ रही थी? तुझे क्या लगता है मैं किसे ढूंढ रही हूँ? कोई है जिसे मुझे ढूंढना चाहिए? मम्मी क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू श्रेया के साथ गया था ना, तुझे क्या लगा तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? वो लड़की यहाँ भी आ गई। अरे छोड़ो ना मम्मी, चलो हम पूजा में ध्यान लगाओ। मेरी पूजा ही तो सफल नहीं होने दे रही वो लड़की, वो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मम्मी उसे जो करना है वो कर रही है, हम जो करने आए वो करते हैं। आओ चलो पूजा करें, चलो। ठीक है, हम सब तैयार होते हैं, तुझे और प्रीति को ऊपर पहुंच के पूजा करनी है। ठीक। दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। वैभव तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा शायद अभी भी तैयार होने हैं। मम्मी सविता आज की पूजा में जो फल लगने वाले वो ले लिए? नहीं फल तो नहीं लिए मैंने, तो चलो मैं दिला देती हूँ। हाँ चलो प्रीति बेटा आ जाओ। तो लग गया, अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगी? श्रेया तुम एक काम करो, तुम ना यहीं से हाथ जोड़कर दर्शन कर लो। हाथ जोर की मोचाई है, कैसे चढ़ोगी ऊपर? अरे इतने दूर महेश्वरी के कुलदेवी के मंदिर आई हूँ, अगर यहाँ की आरती अटेंड नहीं की तो फिर क्या फायदा? नहीं नहीं ऊपर तो मुझे जाना है, अब कैसे जाऊंगी वैभव? तुम कितने मीन हो, यहाँ पे मुझे लगा है और मदद करने के बजाय तुम मुझे ऐसे गंदे आइडियाज दे रहे हो।
बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वैभव। श्रेया बहुत उम्मीद से दर्शन करने आई है, कम से कम वो पूरा करने में तो इसकी हेल्प कर ही सकता हूँ ना। मुझे पता था जितने श्रद्धा मन के साथ तुम दोनों यहाँ माँ कुलदेवी की पूजा के लिए आए हो, तुम ही सबसे पहले ऊपर पहुँचोगे। तुम्हारा इनके प्रति श्रद्धा भाव समर्पण को देखकर मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ, बेटा जो अपने गृह लक्ष्मी का हमेशा सम्मान करता है, माँ लक्ष्मी भी उसके प्रति हमेशा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जीते रहो जीते रहो, आओ हम उनके लिए चलते हैं। श्रेया के साथ शायद आज आखिरी ही हो, माँ के आने से पहले ये पूजा खत्म हो जाए। शायद माता भी यही चाहती है कि हमारी कहानी का अंत इसी तरह हो। खामा खामक बर्बाद कर दिया, फल वल तो कुछ मिला नहीं कि कॉल सेंटर वाले भी ना। अरे वैभव कहाँ गया? पता नहीं ऊपर ही होगा। जिसको चाहो मैं उसका भला, तुम ही इस दुनिया की 64 कला। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम मंगला। चाहिए पंडित जी, ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बहू है, इन दोनों की पूजा करवाइए। बेटा ये आपकी माताजी क्या कह रही हैं? ये है आपकी होने वाली पत्नी? जी। तो फिर जो आप इनके लिए बोल रहे थे? पंडित जी वो मैं उन्हें सिर्फ नीचे से ऊपर लेकर आया था। मेरी शादी उनसे नहीं इनसे ही हो रही है। फटाफट इन दोनों की पूजा करवाइए। शादी से पहले इन दोनों को कुलदेवी के आगे माथा टिकाने लाई हो, ताकि इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, दोनों हमेशा साथ रहे और इनके रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लगे। और ये रही मेरी रानी की ट्रेल। लो, वंस मोर। अरे यार, अरे क्या रोहित भाई, हैट्रिक से पेट नहीं भरा तुम्हारा, 14 हाथ भी हार गए। बेटा इतना उड़ो मत हैं? इस बार ऐसा हाथ मारूंगा ना, सारे पैसे उधर से इधर। अरे तुम दोस्त हो भाई, तुम्हारे घर आए हैं, है? तुम खिला पिला रहे हो, अब तुमको पूरा खाली कर देंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। जाते जाते ऑटो के भी पैसे मांगते हुए जाओगे मेरे पास, पूरा जेब तुम्हारा खाली कर दूंगा मैं, देखना। अब असो असो। भाभी भैया को बोलो बस करें, नहीं तो सारे पैसे ना यहीं खर्च कर देंगे। बस करो ना, कितना खेलोगे? हो गया बस। माया तुम देखो अभी। अरे क्या देखो देखो, तब से तो आपको देख रहे हैं दूत क्रीड़ा, लूटे पे लूटे जा रहे हो यार, अब अगले दांव में जीजा को खेल जाओगे क्या? अरे जीजा प्लीज पॉजिटिव रहो ना। क्या पॉजिटिव, तुम्हारा खाता ही नेगेटिव में जा रहा है, कैसे हम पॉजिटिव रहे?
अभी मेरे खाते में और है। ये? 1,00,000 बुरा दिए, अब ऊपर से 25,000 जो सासू माँ ने दिया था बिजली बिल के लिए वो भी डाल दोगे? अरे जीजे आपने, अरे जीजे टेंशन मत लो आप। सुनो ना, मैं 25,000 के कैसे 2,50,000 रुपए करता हूँ, आप मुझे में विश्वास रखो। आप बैठो, बैठो, ऊपर जाके बैठो। मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। माया तुम एक काम करो ना, अभी इस साइड आ जाओ। क्यों? अरे अभी इस साइड लग ट्राई करते ना। हाँ भाई रोहित, ये भी करके देख लो तुम। और तुम तो मेरी लकी चाम हुई। प्लीज 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 इस साइड आओ ना, इस साइड आओ, आ जाओ। ए अदिति थोड़ा कट कट कट। ये मेरे 1,000 का ब्लाइंड, ये मेरा भी 1,000 का ब्लाइंड। हाँ क्या बात, ये मेरे 2,000, ये मेरे भी 2,000। तो ये मेरे भी आ गया 2,000। बैठो बेटा। बैठी बैठी। क्या हुआ बताना। आ गया वैभव, पता है मैं पापा मम्मी से मिला था, कमाल के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम सिंपल। पापा के साथ तो मैंने गप्पे मारी, कभी चाय वाय पी हमने। फाइनेंशियली थोड़ा गड़बड़ चल रहा है उनका, पर वो तो लाइफ है, सबके साथ होता है, अप डाउन चलते रहते हैं। पर एक बात की तसल्ली हो गई है, तो खुश रहेगी वहाँ, लोग अच्छे हैं एकदम। पापा आप गाड़ी निकालिए। हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चलिए जाते। अरे ऐसे कैसे जाते हैं, अभी तो बात करनी मेरे को उनसे, उन्हें तो ये भी नहीं पता तू बेटी है मेरी। पापा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, आप बस गाड़ी निकालिए, हम जाते हैं। क्या हुआ? पापा प्लीज। ठीक है गाड़ी लेके आता हूँ। अच्छा हुआ खुद ही जा रही हूँ। जिद्दी तो बहुत देखे मैंने, लेकिन तुम सा जिद्दी नहीं देखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? महेश्वरी की कुलदेवी का मंदिर है, यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। आ सकता है, पर तुम क्यों आई हो मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता आंटी, आप सच्चाई से बहुत दूर है। ये ख्याली दुनिया में जहाँ आपको लगता है सब सही हो रहा है। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। मेरे बेटे के लिए क्या बेहतर है मुझसे अच्छा कोई नहीं देख सकता। मुझे भी यही लगता था आंटी, वैभव हमेशा कहता था कि वो आपसे कितना क्लोज है, सैटेलाइट कनेक्शन है आप दोनों के बीच, बिना बोले एक दूसरे की बात जान लेते हो। फिर इस बार क्या हुआ आंटी, आंखों पे पर्दा पड़ गया या जान के अनदेखा कर रही हो? नहीं बकवास बंद करो, अगर मेरे बेटे के मन में ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे कहता। वो तुमसे प्यार नहीं करता और ये बात उसने खुद मुझे बताई है, और मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलता। कितना अच्छा बेटा है ना आपका, अच्छे बेटे और भी बहुत कुछ करते हैं, बेटे होने का असली कर्तव्य भी अच्छे बेटे ही निभाते हैं। तो फिर आप एक अच्छी माँ होने का कर्तव्य क्यों नहीं निभाती? बस श्रेया
ये कोई तरीका नहीं है मेरी मम्मी से बात करने का। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इनफ। ना ही मुझे तुमसे कोई सफाई सुननी है और ना ही कोई बहाना। एंड दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। ये खत्म हो चुका है। भूल जाओ मुझे और प्लीज जाओ यहां से। सिर्फ यहां से ही नहीं, मेरी लाइफ से भी। एक और बात, मेरे बेटे ने तुम्हें शादी में आने का न्योता दिया है, उसे मैं वापस लेती हूं। आज के बाद मेरे घर की चौखट में कदम मत रखना, समझी? अच्छा हुआ इस लड़की से पल्ला छूट गया। आराम से मम्मी। बदतमीज लड़की, कैसे पलट के जवाब दे रही थी, पता नहीं कहां से पीछे पड़ गई है मेरे बेटे के। सही में मुंह उसका बंद ही नहीं होता, पूरा दिन चपड़ चपड़। इतनी इरिटेटिंग और स्टूपिड लड़की ना मैंने आज तक। बस बहुत हो गया। हाँ वो मंदिर में है ना मम्मी, तो किसी के बारे में भला बुरा कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बैग लेके आता हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। प्रीति बेटा बैठ जाओ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये खिड़की बटन से खुलती है। ये नए जमाने की गाड़ियां ना। काश तुम्हारे दिमाग की खिड़की भी किसी बटन से खुल पाती सविता। क्या मतलब विकल्प तुम्हारे सामने था फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे बोला ना, ये नई गाड़ियों का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा दिवाली पे क्या प्लान है तुम्हारा? तुम्हें ऑफिस से छुट्टी वुट्टी मिल रही है ना दिवाली में? वो भी मुझे छुट्टी? मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं उस दिन। अरे बड़े सख्त है तुम्हारे ऑफिस वाले, दिवाली के दिन सबको छुट्टी होती है। पर मुझे छुट्टी नहीं होती, मुझे तो कितने सारे घर में जाना पड़ता है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे खुद लक्ष्मी माँ हो, दिवाली के दिन वो ही आती जाती रहती है लोगों के घरों में। अच्छा टाइम निकाल के हो सके तो आ जाना। यदि मुझे बुलाने का सही प्रयास करूंगी तो दिवाली वाले दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी सविता। चलती हूँ। कौन थी ये? मेरी दोस्त है, यही आते जाते मिलती रहती है मुझे। आजकल किसी भी अनजान से ऐसी दोस्ती मत किया करो तुम। जमाना ऐसा है, कोई दिखता कुछ है और होता कुछ और। Thank you.
कहाँ रह गया ये? वैभव! हाँ वैभव, जल्दी चलो। हाँ आजा बेटा। करा लो, कहीं ऐसा ना हो किसी को मुंह शो करने के लायक भी ना बचो। ऐसा ना हो बेटा कि कहीं तू किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे। तीन रानी। इतना सारा पैसा रोहित। अरे रिक्शे के पैसे दे दूंगा तुझे यार। अरे सेलिब्रेट करने में जल्दी कर दिए। ये देख 3-1। बोला था ना मैंने कि भैया को बोलो मत करो, लेकिन नहीं, उनको समझाने की जगह उल्टा होने बोले। मैं लकी चाम निकल गया, लकी चाम सारा। क्या बोले थे? एक हाथ में 25,000 के डायलॉग कर देंगे। लो हो गया, कर लिए पार्टी और मजे लो। वॉइस चीटिंग, चीटिंग। मैं कब से देख रहा हूँ तू पत्ते, तेरे पास से कैसे अच्छा आ सकते हैं? तूने पत्ते लगाने में चीटिंग की। अरे इसे पत्ते लगाने में चीटिंग की है। हार गया ना इसलिए ऐसे कर रहा है ना। मैं हार गया नहीं, तू चीटिंग। सच्ची बोल, तूने पत्ते लगाने में चीटिंग किया ना, मतलब मैं हर समय तुझे सब। अरे कैसे आ सकता हूँ? अरे जिंदा रोहित, मेरे घर में जुआ खेल रहे तुम सब। हम एक दिन घर के बाहर क्या गए और ये सब शुरू हो गया यहाँ पे। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम लोग, पापा दिवाली पे तो शगुन होता है ना, सभी खेलते हैं। हाँ पापा थोड़ा बहुत। चुप। शगुन और भी बहुत सारी चीजें शगुन के लिए। जहाँ पे ये जो पैसे लुटा रहे हो, बाहर किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। और दामाद जी, आप, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये तो इन कामों में एक्सपर्ट है। लेकिन आप आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं और आप भी लग गए दो हाथ खेलने में। आप सही कह रहे हैं डैडी जी, हम लोग भी यही सोच के खेल रहे थे कि जो भी पैसा आएगा ना आधा चैरिटी में दे देंगे। हाँ हाँ, जाने दीजिए, छोड़िए, बच्चे हैं, थोड़ा खेल लिया तो क्या। हाँ सविता अच्छा है, चलो हम भी खेल लेते हैं दो दो हाथ। हा? पापा सॉरी, आज के बाद घर में नहीं खेलेंगे। तो बाहर खेलेंगे। नहीं नहीं, मतलब हम खेलेंगे ही नहीं, कहीं पर भी नहीं खेलेंगे। आप प्लीज गुस्सा मत हो, वो आपका बीपी। रोहित पापा चलिए आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। चलिए अब मुंह क्यों लटका है? तुम्हारे पापा कुछ गलत नहीं बोल के गए, लेकिन तुम्हें पता है हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता है। माया तुम्हारे रिश्तेदारों का अलग हिसाब है, यहां वो सब नहीं चलता, पता है ना तुम्हें? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इन लोगों से कहा भी था, लेकिन आपको पता है ना मेरे यहाँ कोई सुनता भी नहीं है,
यही लोग कह रहे थे लाखों कमाएंगे लाखों कमाएंगे। कमाओ। शक्ल देख के तो लग रहा है कि हार चुके हो। सवा लाख जीतने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे, पर हम लोग इतना नहीं, मतलब जीते नहीं इतना, थोड़ा बहुत ही हारा हूँ मैं, 1000-1200 हारा हूँ। ठीक है, जो हुआ जाने दो, उसके बारे में सोचो मत। हजार बारह सौ बासाले साहब, सिर्फ 1200? अब पूरा 125,000 डाल दिया उसमें, बिजली बिल के पैसे भी दे दिए, क्या करोगे? अरे जीजे प्लीज आप टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो। बिजली विभाग का जो ऑफिसर है उसे कोई ना कोई पट्टी बढ़ाकर कुछ और दिन आगे बढ़वा दूंगा। तब तक एक काम करो ना, आप ये गद्दे वो गद्दे वाले को दे दो और मम्मी का जो गद्दा है उनके रूम में पहुंचवा दो, वरना पापा और ज्यादा भड़केंगे। फिर अरे ये सासुमा के रूम वाला गद्दा कौन सा था? चलो तुम मुझे घर छोड़ने निकले थे और अभी मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब आराम से। हाँ। I love you, Weber. I love you. दामाद जी, कुछ चाहिए था? ओ, हाँ, सर दर्द कर रहा था ना तो बाम चाहिए था। डैडी जी लगाते नहीं, वहीं ढूंढ रहे थे। अच्छा, यही कहीं रखा होगा, मैं ढूंढ के देती हूँ। अच्छा जी। भाई साहब, 1000 रुपया हुआ? हाँ दे रहा हूँ यार, आधा एडवांस दे दिया था, आधा ये पकड़ो। ये तो 500 है। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। क्या करोगे आप? सारे पैसे तो तुम हार गए, कहां से लाके दोगे इतने सारे पैसे मम्मी को वापस? रोहित, माया, आदिति, दामाद जी, कहीं मम्मी को तुम्हारा कांड तो नहीं पता चल गया? इतनी सारी झाड़ू लेके तुम्हें पीटने तो नहीं आ रही है? मम्मी, इतने सारे, एक से काम नहीं चलेगा, पूरे घर की दरिद्रता निकालनी है, सब साथ मिलके सफाई करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ सफाई सफाई ना। अदिति बेटा, ये लो बेटा। हाँ ये लो माया बेटा। अदिति, डाइनिंग एरिया। हाँ दामाद जी, आप अपना कमरा और स्टडी एरिया साफ कर लीजिए। रोहित, माया,
ठीक है। श्रेया, श्रेया मैं आज यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। आई एम सॉरी कि मैं तुमसे बड़ी बदतमीजी से पेश आया। क्या करूं श्रेया, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे लगता था ऐसा करना हम सबके लिए अच्छा होगा, पर नहीं, ऐसा करने से सिर्फ एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही है, तुम्हारी, मेरी और अप्रीति की। मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। श्रेया, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम प्रीति, तुम यहां क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के यहां फंक्शन में जा रही थी, पर मंदिर में श्रेया ने जो ड्रामा किया तो सोचा कि उससे पहले उससे मिलते हुए जाती हूँ। बोलने आई थी, धमकाने आई थी कि शादी से पहले तुमसे दूर रहे, पर अब मुझे लग रहा है कि ये धमकी तो मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि सिर्फ श्रेया तुम्हारे पीछे है, पर यहाँ तो तुम भी लवर बॉय बने फिर रहे हो। प्रीति, यही सच है, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ, और मुझे लगा कि मैं घर के हालात बदलने के लिए खुद को बदल लूंगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ना ही अब मैं झूठ बोल सकता, ना खुद से, ना तुम से, ना श्रेया से, और ना ही माँ से। तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपने मन की बात सुननी चाहिए। ठीक है, अगर तुम श्रेया से इतना ही प्यार करते हो तो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। प्यार श्रेया से करो, शादी मुझसे कर लेना। क्या? हाँ, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने। प्रीति, हम शादी करके साथ में खुश नहीं रहेंगे। पर मुझे तो साथ में रहना ही नहीं है ना, मैं तो भाग जाऊंगी मुंबई, उसके बाद तुम्हें यहाँ जो करना है करना। श्रेया के प्यार में अगर तुम्हें रतलाम में ताजमहल बनवाना है बनवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफेयर कर लेना श्रेया से, पर वाइफ तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी। ये शादी मेरे लिए मेरी आजादी है, तुम्हारे नॉनसेंस प्यार के चक्कर में मेरे सपनों की बलि मत चढ़ने देना। मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दूंगी। प्रीति, ऐसा करने से तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी दुकान नहीं बची तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, और उसे सिर्फ ये शादी ही बचा सकती है। ये बात अपने दिमाग में बार बार याद करते रहना, ताकि ये जो प्यार का भूत चढ़ा रहता है ना, वो उतर जाए। और ये भी छोड़ो, असली नुकसान तो तब होगा जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि वो खुद ही अपने बेटे को खाई में धक्का दे रही थी, अपने बेटे को ही सेल पे लगा दी, अपने बेटे के प्यार को नहीं समझ पाई। सोचो, अगर उनको ये पता चलेगा तो वो तो अपने आप को माफी नहीं कर पाएगी। तो बोलो, तुम अगर चाहते हो मैं उन्हें बता दूं तो मैं उन्हें बता सकती हूँ। नहीं ना, तो फिर चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वैभव, तुम यहां? प्रीति, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वैभव, तुम यहां? प्रीति, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें एक इंसान की बात समझ में नहीं आती ना, तो सोचा कि दोनों साथ में आ जाए। ये बोल रहे कि मैडम जरा अपनी हद में रहना,
मंदिर में तुमने जो तमाशा किया तब तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तू लोग शादी कर रहे, तुमसे देखा नहीं जा रहा ना, कोई और ढूंढ लो ना, बहुत मिल जाएंगे। मेरे वैभव का पीछा छोड़ दो प्लीज। एक लड़की हो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी। बार बार वैभव के मुंह से ना सुनना अच्छा लगता है क्या? इसे कहो एक बार फिर ना बोल दे, पर इस बार दिल से। देखते हैं मुंह से निकलता है या नहीं। चलो वैभव। महेश्वरी ज्वेलर्स की तरफ से हैप्पी दिवाली। रंजन जी, मिलना चाहता हूं आपसे। भाग जा, भाग जा, दरिद्रता भाग जा, दरिद्रता भाग जा, मां लक्ष्मी को आने दो। क्या हुआ, घर में कोई घुस गया है? चल 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 चल, किधर है, कौन से लड़ाई? दरिद्रता भाग जा, सविता सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो? ये क्या सर्कस कर रहे हो आप? ये कोई सर्कस नहीं है, ये दरिद्रता भगाने का तरीका है। पंडित जी ने बोला है अगर दिवाली के दिन करो ना तो माँ लक्ष्मी घर में आती है। मम्मी ऐसे तो जीजा जी भी खड़े खड़े बोल दें आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। थोड़ी ना बोलने से आईएएस बन जाएंगे। तुम सब मुझे मत सिखाओ, ये भगवान का काम है, ऐसे ही होता है। और सब लोग एक एक झाड़ू उठाओ और काम पे लग जाओ। अरे यार, ये सुबह सुबह मम्मी ने कौन सी ड्यूटी पकड़ा दी यार? रिवाज बोले, रिवाज। रिवाज बोलने से क्या कूड़े में से खुशबू आने लगेगी? एम पॉइंट। अरे मीनू जी, क्या कर रही हैं आप? ना ना, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे आईएएस कर रहे हैं हम, कलेक्टर बनेंगे। आज हम आपका गार्बेज कलेक्टर बन जाते हैं। सच्ची। बाय बाय। ओहो दामाद जी। सासू माँ। हाँ, इसे जरा कूड़ेदान के अंदर डाल दीजिए। यस सासू। अरे वहाँ क्यों फेंका? सब लोग वहीं फेंक रहे थे सासू माँ, तो हम भी फेंक दिए। तो हम घर साफ रखेंगे और मोहल्ला गंदा कर देंगे। नहीं नहीं, वो कचरे वाली आएगी ना तो उठा के ले जाएगी, फिर घर भी साफ मोहल्ला भी साफ। आप रंगोली पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है। जिसको चाहो मैं उसका भला, तुम ही इस दुनिया की 64 कला। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम मंगला।
लक्ष्मी माँ देखती है कि किसका घर सबसे साफ सुथरा है, फिर वहां अपने कदम रखती है। और खासकर वो घर जिसके बाहर सबसे सुंदर रंगोली बनी हो। देखो सब औरतें कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रही है। जिसके घर की चमक और रंगोली की रौनक सबसे अव्वल हो, लक्ष्मी माँ उसी घर में दर्शन देती है। फिर तो आपका कंपटीशन एकदम टफ है सासु माँ। हमारी रंगोली सबसे बेस्ट होनी चाहिए, लग जाइए। दामाद जी रहने दीजिए। अरे हम आपकी मदद कर रहे हैं बेटा, हम आप खराब कर रहे हैं। अरे शांति, तुम आज के दिन भी काम कर रही हो? अरे मैं एक दिन काम ना करूं तो किसी का काम नहीं चलेगा और मजदूर भी मारी जाएगी। वो भी है। अच्छा शांति, मैंने ना घर का कोना कोना साफ किया तो कूड़ा थोड़ा ज्यादा निकला है, पर देखना इस बार लक्ष्मी माँ हमारे घर जरूर दर्शन देंगी। हाँ हाँ जरूर देगी। चलो दिवाली मुबारक, आपको भी दिवाली मुबारक हो। कितना कचरा करते हैं लोग। घर में लक्ष्मी का आगमन केवल घर स्वच्छ कर लेने या रंगों भरी रंगोली बनाने से नहीं होता। मैं स्वच्छ घर के साथ साथ स्वच्छ मन में वास करती हूँ। मुझे वो लोग आकर्षित करते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज का भी भला करते हैं। जैसे कि ये सफाई करने वाली औरत, जिसका काम देखने में भले ही बड़ा ना लगे परंतु इससे बड़ी सेवा समाज की हो ही नहीं सकती। इनका योगदान अतुलनीय है। ऐसी स्वार्थहीन सेवा और कर्मठता जिस मनुष्य में होगी, लक्ष्मी तो उनके साथ ही निवास करेगी। हैप्पी दिवाली मैडम जी। हैप्पी दिवाली भाई साहब आपको भी। काम हो गया? वेन्यू पर लाइटिंग लग गई है मैडम जी, ये जबरदस्त, जब जलेगा ना तो फुल जगमगा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जलेगा कैसे? जलेगा कैसे मतलब? तुम क्या लड़ी में फ्यूज बल्ब लगाया हो क्या? गुजरा जलेगा कैसे हो? अरे भैया जी वहाँ पर सप्लाई का प्रॉब्लम है, एक एक्स्ट्रा जनरेटर मंगाना पड़ेगा आपको। ये 2020 का डे नाइट मैच नहीं चल रहा है जो एक्स्ट्रा सप्लाई लगेगा। ठीक है भैया जी, अगर फंक्शन के बीच में लाइट चली गई ना तो मुझे मत बोलिएगा फिर आप। लाइट तो चाहिए ना, नहीं तो अंधेरे में साले साहब कहीं पंडित के साथ दो फेरे ना लगा ले। लाइट जरूरी है भाई साहब। आप करवा लीजिए सारे इंतजाम, लेकिन ना थोड़ी लाइट घर की तरफ भी लगाइए, पूरा चकाचौंध चाहिए मुझे। हो जाएगा मैडम जी, लाइए एडवांस दे दीजिए 50,000 रुपए। 50,000? सासुमा रहने दीजिए, लाइट चली जाएगी ना तो मोबाइल का टॉर्च जला के काम चला लेंगे। 50,000 लूट रहा है ये। ठीक है रहने दीजिए। नहीं नहीं रुके रुके, मैं ले आती हूँ, करवा लेते हैं। राज भैया आप क्या, पापा कहाँ हैं? वो तो घर से यहाँ निकले ही निकले थे। दीदी मैंने भी ड्राइवर से यही पूछा, उसने बोला कि सर कहीं रास्ते में उतर गए हैं और बोले खुद चला आऊंगा, तुम चले जाओ। रास्ते में मगर कहाँ? वो एक मोहल्ले के पास उतरे थे, कुछ तो नाम बताया था, नमकीन वालों के घर के पास, निरंजन, हाँ निरंजन के घर के पास उतारा था उसने। निरंजन वैभव के घर? भैया अब यहाँ का काम देखें, मुझे एक अर्जेंट काम है, आती हूँ। मेरे पैसे?
क्या कर रहे हो, क्या होता है? कोई भी आएगा तुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा, सुनता रहूंगा मैं क्या चुपचाप? मेरे पैसे पैसे गायब हो गए। क्या साला साहब, ये भी दिवाली का कोई रिवाज है क्या, पैसे गायब हो गए? अरे मेरे पैसे गायब हो गए। मेरे पैसे गायब। मेरे पैसे गायब। अरे आप बैठो। वो गद्दा खा गया। क्या हुआ? कौन से पैसे? क्या हुआ सविता, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे गद्दे में 4,00,000 रुपए छुपा के रखे थे, वो गद्दा गायब हो गया। वो हमारा गद्दा नहीं। क्या, कौन सा गद्दा, कैसे पैसे? अरे वो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए, 4,00,000 चोरी हो गए, मेरा गद्दा गायब हो गया। इनके घर पे तो चोरी हो गई। पापा, किसी के घर पे इतनी बड़ी चोरी हुई है और आप हंस रहे हो? तो हंसी तो आएगी बेटा, गद्दे में 4,00,000। पापा मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। आप प्लीज आज कोई बात मत करना। आज क्यों बात नहीं कर, आज तो मैं इनको तो बस। पापा प्लीज, सब लोग कितने टेंशन में होंगे, प्लीज आज रहने दो ना। ओके चलो, प्लीज चलो। गद्दे में पैसे ही। अरे गद्दे में कौन फिक्स डिपॉजिट करके रखता है 4,00,000 रुपए? पर पलंग पे से गद्दा बदल कौन सकता है? कहीं तुम लोगों ने तो नहीं बदला? अरे हम क्यों करने बदलेंगे गद्दा? ए, कल ताश पार्टी के लिए सासू माँ का ही गद्दा तो लाए थे। ए साले साहब, कहीं वो गद्दा एक्सचेंज तो नहीं हो गया क्या? हाँ मम्मी, कल इन दोनों ने आपके रूम से गद्दा लिया था बैठने के लिए। साले साहब जाके देखना पड़ेगा अभी। जीजे आप ये रुको, वैभव तू चल मेरे साथ। मैं भी हाँ मम्मी चलो आप भी। तो मम्मी आराम से। पापा प्लीज, बहुत हो गया, कब से हंसे जा रहे हो? तो यार हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा यार, उनके घर में कोई और सेफ जगह नहीं जहाँ पैसे रखे, गद्दे में घुसेड़ कर रख दी। इनफ, उनके पैसे उनका घर, उनकी मर्जी, वो कहीं भी रखे। हंसने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ओके तो ये रहा मेरा पेन, ये रही मेरी चेकबुक, और ये मैं साइन कर देता हूँ। प्रॉब्लम में है तो मदद तो करनी चाहिए, कर देते हैं मदद, इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। पापा फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो उनके पैसे चोरी हुए हैं उसे ढूंढ कर। कैसे ढूंढोगी? वो आप मुझ पे छोड़ो। आपके गद्दे? हाँ जी, कल आपके बाकी गद्दों के साथ यहाँ पे आया था, वही लेने आए हम लोग। भैया जरा जल्दी कीजिए ना, देखिए ना हमारा गद्दा आपके बाकी गद्दों में होगा, देखिए ना मुझे वो गद्दा चाहिए। अरे बहन जी जरा आराम से। हा? अरे सारे गद्दे तो एक ही जैसे होते हैं। अरे ऐसा क्या है उस गद्दे में जो आप इतना ज्यादा परेशान हो रही है? उस गद्दे में मेरे पैसे 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 जोड़कर पापा ने वो गद्दा बनवाया था। उससे पहले फर्श पे सोते थे, लाइफ का पहला गद्दा था उनके। और जितनी रुई नहीं है ना उस गद्दे में, उतनी तो यादें जुड़ी हुई है उस गद्दे से हमारी। अब आपको समझ में आया वो गद्दा इतना खास क्यों है? वो गद्दा ला दीजिए। अच्छा बहन जी, इतना आप कहती है तो मैं जरा देखता हूँ। हाँ थैंक यू, जल्दी। कल वाले गद्दे? हाँ कल वाले गद्दे, मैंने ही मंगवाए थे वो। अरे मैडम इसमें तो मेरा खुद का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है। मतलब क्या हुआ? अरे उस गद्दे पे बहुत सारा गोंद गिर गया था तो बर्बाद हो गया, निकाल दिया उन्हें मैंने। निकाल दिया मतलब? अच्छा मतलब कहीं पे फेंक दिए होंगे ना, तो कहाँ पर फेंके? नहीं नहीं भाई साहब, फेंका नहीं है। दरअसल क्या है कि जो माल हमारे किसी काम का नहीं रहता है तो हम उसे जला देते हैं।
मम्मी मम्मी जला देते हैं मतलब, अरे भाई है तेरे, तू ऐसे कैसे जला सकता है? बॉर्डर छोड़ो मेरा, बॉर्डर छोड़ो मेरा, क्या बदतमीजी है ये, ज्यादा टाइगर श्रॉफ बनने की कोशिश मत करो, पहले सोचना चाहिए था ना अपने गधे के बारे में। चले निकलिए से। अरे आराम से चलो मम्मी। मेरे 4 लाख मिल जाएंगे। अरे पप्पू, हाँ अरे सुन, अरे वो जो रोहित तुष्णीवाल के यहाँ से जो गद्दे आए थे ना, उन्हें जरा संभाल के रखना, हाँ कहीं किसी को देना नहीं है। हाँ अरे उसमें कुछ खास है। मतलब इसने झूठ बोला, गद्दे जलाए नहीं है। दिलीप चल मेरे साथ। क्या हुआ? कोई कुछ बोलेगा? पापा पैसे धुआं हो गए। धुआं हो गए मतलब? मतलब सुहा? मतलब वो गधे, गद्दे वाले ने सारे गद्दे जला दिए। और साथ में 4 लाख भी। देख ले आपने कारनामे, पैसे छुपाने के और तरकीबें निकालो। पैसे रख लिए? हाँ रख लिए। मैंने 2 लाख रोहित और आदित्य को दे दिए उनके खर्चे के लिए, 4 लाख अलमारी में रख दिए और बाकी 4 लाख मैंने संभाल के रख दिए। कहाँ? है एक खुफिया जगह, आपको भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, जैसे कि मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगा। उस दिन तो बहुत खुश हो रही थी, अनुमान लगाइए पैसे कहाँ छुपा के रखे, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी के हाथ नहीं आएंगे, किसी के हाथ भी नहीं आए। अरे मम्मी इससे अच्छा मुझे दे देती, मैं संभाल कर रख लेता उसे। अरे आप लोग मम्मी को क्यों बोले जा रहे हैं? आपने और जीजा जी ने गद्दे बाहर लेके गए थे, गलती आप लोग की, मम्मी की नहीं। अरे हमने तो इसलिए निकाले कि उसमें ज्यादा ज्यादा खटमल होंगे, 4 लाख रुपए होंगे ये हमें क्या पता। पप्पू पप्पू सुन इधर, अरे वो जो रोहित तोशनीवाल के ऐसे गद्दे मंगाए थे वो कहाँ रखे? गोडाउन में रखा हुआ। गोडाउन में? अच्छा सुन मेरी बात, देखिए अंदर 4 लाख कैश है, किसमें हो सकता है? ये तो बहुत ही गंदे, तो वैभव के हो ही नहीं सकते। शादी सर पर है, सारे वेंडर्स लाइन लगा के खड़े हैं, कहां से देंगे पैसे? इतने सारे खर्चे भी तो हैं, इतने सारे फंक्शन हैं, हल्दी मेहंदी शादी, इन सब के पैसे कहां से आएंगे? इतने बड़े घर में शादी हो रही है और यहां पर हमारा ठनठन गोपाल हो बैठा है। बहुत बढ़िया सविता, बहुत बढ़िया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, रोना बंद करो प्लीज। तेरी ही गलती है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारूं कैसे? बिना पैसे के कैसे होगी शादी?